हमने अभी तक प्लेन मिरर को डिस्कस किया है और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात की है। नाउ हमने ये कहा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या चीज है। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो मिरर के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। लेट अस से कि मैं एक मिरर अज्यूम करता हूं, सपोज इतना बड़ा दिस इज अ मिरर, दिस इज अ प्लेन मिरर। अब इस प्लेन मिरर में मैं लेट से एक फ्लाई की इमेज देखता हूं, एक मक्खी, एक फ्लाई की इमेज मैं इस प्लेन मिरर में जब देखूंगा तो फ्लाई इस प्लेन मिरर के साइज के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है। तो अगर फ्लाई का साइज इस मिरर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, सो आई विल से कि फ्लाई इज बेसिकली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंपेयर्ड टू दिस मिरर। सो हम फ्लाई को कुछ इस तरह से मान सकते हैं, दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट, दिस इज अ फ्लाई और फ्लाई का साइज छोटा है। तो अब इस फ्लाई की इस मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्म होगी, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक लाइट रे जो कि इस प्लेन मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलरली इसे स्ट्राइक करेगी इस पॉइंट पे, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए बिल्कुल इसी तरह से रिबाउंड बैक हो जाएगी और हमें दिखेगा कि ये लाइट रे कहीं पीछे से आ रही है। इस वक्त नहीं पता कि ये पीछे कहां से आ रही है। वी हैव जस्ट अज्यूम कि ये लाइट रे इससे टकरा के जब ऐसी आएगी तो मुझे दिखेगा कि ये पीछे से कहीं आ रही है। अब ये लाइट रे बिल्कुल इससे टकरा के इसी तरह से रिबाउंड बैक कैसे होगी? अगर आप ध्यान से देखें तो जब ये लाइट रे इस प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है, देन वी विल से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्रीज। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 डिग्री है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन शुड ऑल्सो भी 0 डिग्रीज। तो इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा और ये लाइट रे बिल्कुल अपने पाथ को ट्रेस करती हुई इसी तरह से निकल जाएगी। देन एक लाइट रे हम अज्यूम करते हैं कि कुछ इस तरह से प्लेन मिरर को स्ट्राइक करती है। अगर ये इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी देन वी कैन क्रिएट अ नॉर्मल हेयर, समथिंग लाइक दिस। लेट अस से दिस इज एम एन इज अ नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड लेट अस से दिस पॉइंट इज ओ। इस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं। तो ओ पॉइंट पे जब लाइट रे इंसिडेंट होगी तब दिस एंगल विल बी लेट से एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज आई। अब ये किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग दिस लाइट शुड रिफ्लेक्ट इन दिस डायरेक्शन एंड शुड गो लाइक दिस। और ये जो एंगल बनेगा दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस विल इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ अब ये लाइट रे जब इस पॉइंट पे टकरा के इस तरह से आएगी तो यहां पे खड़े ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? यहां पे खड़े ऑब्जर्वर को दिखाई देगा कि ये लाइट रे कहीं पीछे से आ रही है। कहीं इस पॉइंट से आ रही है। तो इस पॉइंट से एक लाइट रे ऐसी जाती हुई दिखेगी, इस पॉइंट से एक लाइट रे कुछ ऐसी जाती हुई दिखेगी और ये पॉइंट से निकलने वाली लाइट रे हो सकता है यहां पे भी कहीं स्ट्राइक करे और फिर ऐसी निकलेगी और फिर इसको जब ट्रेस बैक करेंगे तो अगेन वो इसी पॉइंट से आती हुई दिखेगी। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जहां पे इस फ्लाई से निकलने वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, जहां पे इस फ्लाई से निकलने वाली लाइट रे इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इस फ्लाई को
इस फ्लाई के लेट से फीदर्स होंगे या इस फ्लाई की आईज होंगी, जो इसके हैंड्स होंगे, उन सभी से निकलने वाली लाइट रे अलग अलग डायरेक्शंस पे, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इस प्लेन मिरर से टकराएगी और टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होगी, और हमें दिखेगा कि वो लाइट रेस एक पॉइंट से आ रही हैं, और इस पॉइंट को हम कहेंगे इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट. दिस विल बी कंसिडर्ड एज इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? बचपन में आपने पढ़ा है कि जब लाइट रेस मीट करती हैं तो इमेज फॉर्म होती है. तो हम कहेंगे कि लाइट रे मीट कहीं नहीं करती. ऐसा नहीं होता कि लाइट रेस मीट कर रही हैं इसीलिए इमेज फॉर्म हो रही है. हो क्या रहा है, जब लाइट रेस को मैं ट्रेस बैक कर रहा हूं, पीछे की तरफ ले जा रहा हूं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये लाइट रेस इस पॉइंट से आ रही है. ये पॉइंट आया कैसे, इनको ट्रेस बैक करके और इनको ट्रेस बैक करके. तो इन दोनों रेस को ट्रेस बैक करके मैंने देखा कि ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है. तो इट इज नॉट एक्चुअली कि ये मीट कर रही है. हम कहेंगे कि ये पॉइंट वह पॉइंट है जहां से ये दोनों रेस निकलती हुई दिखाई दे रही है. वी विल नॉट से कि ये दोनों रेस इस पॉइंट पे मीट कर रही है. ओके, सो इमेज कैसे बनती है? इमेज तब नहीं बनती जब दो लाइट रेस मीट करती है. इमेज बेसिकली वो होती है जहां से लाइट आती हुई दिखाई देती है. ओके, अगर यहां पे हम ध्यान से देखें तो क्या लाइट रेज एक्चुअल में यहां से आ रही हैं? क्या यहां पे कोई टॉर्च रखा है? क्या यहां पे एक और फ्लाई खड़ी है जिसकी इमेज, जो यहां पे इमेज बनी है, कि यहां पे एक और फ्लाई है जिसकी वजह से लाइट इस तरह से आ रही है? हम कहेंगे नो, यहां पे कोई भी फ्लाई नहीं खड़ी है, यहां पे कोई चीज नहीं रखी है, यहां पे कोई लाइट का सोर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिर्फ दिख रहा है ऐसा कि ये लाइट यहां से आ रही है. इट मींस ये जो पॉइंट हमने बनाया, दिस पॉइंट इज अ फॉल्स पॉइंट, दिस इज अ स्यूडो पॉइंट, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता. दैट्स व्हाई वी विल से कि जो इमेज फॉर्म हुई है, दिस इमेज इज अ वर्चुअल इमेज. This is not a true image. ये एक virtual image है. मतलब अगर इस fly ने अपने आप को अगर इस mirror में देखा तो he will say कि यहां पे उसको वापस से वही fly दिख रही है. He will say, जैसे मैं अपने आप को mirror में देखूं तो मैं कहूंगा कि मैं mirror में अपने आप को देख सकता हूं जो कि थोड़ी सी दूर पे खड़ा है. लेकिन आप ये सोचिए कि अगर इस mirror के पीछे जाके मैं इस fly को देखने की कोशिश करूं तो क्या ये fly आपको दिखाई देगी? क्या आप इसे देख सकेंगे? हम कहेंगे नो, ये फ्लाई हमें दिखाई नहीं देंगे. आप किसी मिरर के पीछे खड़े हो जाइए, क्या आपको वहां पे किसी और पर्सन की ऑब्जेक्ट, किसी और पर्सन की इमेज दिखाई देती है? नहीं दिखती. तो वी विल से कि वो जो इमेज बन रही है, दिस इमेज इज अ वर्चुअल इमेज, ये जस्ट एक भ्रम है. ऐसा दिखेगा कि लाइट यहां से आ रही है लेकिन लाइट आती नहीं है यहां से. तो वर्चुअल इमेज कैसे बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है लाइट के रेस को ट्रेस बैक करने से. रियल इमेज को हम फर्दर डिस्कस करेंगे. तो यहां पे हमने देखा कि एक फॉल्स इमेज बन रही है जो कि लाइट को ट्रेस बैक करने से बनती है. सो वी विल से कि ये एक ऑब्जेक्ट है ओ, और ओ वन, और लेट्स से ओ, ओ इज द ऑब्जेक्ट एंड लेट अस से दिस पॉइंट इज ए. इस पॉइंट को हम अलग नाम दे देते हैं, लेट अस से दिस इज ए, और ये जो बना है पॉइंट इसको हम नाम दे देते हैं आई, दैट इज इमेज. ये इमेज हो जाएगी, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा. नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, वी हैव स्टडीड की एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई इज इक्वल्स टू आर, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर according to law of reflection. law of reflection के according angle I और angle R बिल्कुल बराबर होंगे. now if we consider this line OPI, अगर मैं ये OPI line को consider करूं और MN line को consider करूं,
तो हम देखते हैं कि इस प्लेन मिरर के साथ, इस प्लेन मिरर के साथ OPI भी 90 डिग्री एंगल बना रही है और MN लाइन भी, MAN वाली लाइन भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। अब क्योंकि ये दोनों लाइन 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, सो कहना ऐसे कि OPI इज पैरेलल टू लाइन MAN। वी कैन से दिस कि OPI इज पैरेलल टू MAN। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं बिकॉज ये मिरर को हम एक ट्रांसवर्सल मान सकते हैं और ये दो लाइंस पैरेलल दिखाई देती हैं। सो इट मींस अगर मैं ऐसा लिखता हूं एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल OAM, तो क्या ये बात सच होगी? क्या POA और एंगल OAM, इट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे? वी विल से यस, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे बिकॉज हमें ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल पैरेलल दिखेगी और OA एक ट्रांसवर्सल जैसी दिखाई देगी। सो इट मींस अगर ये एंगल I है तो ये एंगल भी I हो जाएगा, दिस एंगल विल बी I। नाउ सेम चीज अगर हम देखें, सो आई विल से एंगल PIA विल बी इक्वल टू एंगल PIA विल बी इक्वल्स टू एंगल MA, लेट्स से दिस इज B, MAB, एंगल MAB इन ब्रैकेट आई विल राइट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपने ज्योमेट्री में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं इसको डिस्कस किया है, इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा है। सो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को जानते हैं, आप पहचानते हैं कि कैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पता करें। सो आई विल से कि PIA मींस दिस एंगल एंड MAB मींस दिस एंगल आर इक्वल बिकॉज MN इज पैरेलल टू IO एंड BI इज अ ट्रांसवर्सल, तो इसीलिए ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और ये एंगल भी हो जाएगा एंगल R। ये एंगल R है तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल R, दैट्स वाई दीज आर टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दिस इज एंगल R। नाउ हम ये जानते हैं कि एंगल I और एंगल R तो इक्वल है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा होता है कि एंगल I और एंगल R इक्वल होंगे। तो अगर हम ट्राइंगल OIA कंसिडर करें, मींस OIA ये बड़ा वाला ट्राइंगल कंसिडर करें, तो इन दिस ट्राइंगल आई कैन सी दैट एंगल AOI विल बी इक्वल्स टू एंगल AIO बिकॉज दिस इज एंगल R and this is angle I and these two angles are equal because of law of reflection, अभी हमने प्रूफ किया। Hence we will say कि अगर AOI is equals to AIO then this side OA will be equals to IA. How? Because we will say sides opposite to equal angles are equal,
we will say sides opposite to equal angles are equal. Opposite sides के सामने जो angles हैं वो equal हैं, it means sides भी equal होंगी, ऐसा हम consider करते हैं. तो अगर ये दोनों sides equal हैं, OA और IA, means कौन सी sides? This is OA, so I will say this side is equals to IA, it means this side. ये दोनों sides बराबर हो गई. Now consider triangle. Now consider triangle POA and triangle PIA. If you consider triangle POA and PIA, ये दो जो छोटे angles, छोटे triangles form हो रहे हैं, इन दोनों triangles को consider करें. तो इन दीज टू ट्राइंगल्स आई विल से एंगल ओ पी ए विल बी इक्वल्स टू एंगल आई पी ए. हाउ? बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री, दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री हैं. ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है. वाई? बिकॉज ये वाली लाइट रे परपेंडिकुलरली इस मिरर को स्ट्राइक कर रही है, तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए. नाउ PA is a side which is common to both. This is a common side for both the triangles. PA जो है वो triangle OPA में भी आ रही है और IPA में भी आ रही है, इसीलिए PA common हो गई. Then I will say if you look at OA and IA. So OA is equals to IA proved above. हमने अभी थोड़ी समय पहले ही प्रूव किया कि OA जो साइड है वो IA साइड के बराबर है, कुछ समय पहले ही हमने प्रूव किया. तो अगर ये प्रॉपर्टीज हैं तो आई विल से ट्राइंगल OPA will be congruent to triangle IPA by RHS property. You have studied about RHS property. RHS property is right hypotenuse side. So right angle, hypotenuse and side. So right hypotenuse side, तीनों चीजें आ रही हैं. इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, देन वी कैन से ओपी इज इक्वल्स टू आईपी. देन व्हाट वी कैन से, हेंस वी कैन से ओपी इज इक्वल्स टू आईपी. तो अगर ओपी और आईपी बराबर हैं, so what is OP? OP is basically distance of object from mirror. Then what is IP? IP is distance of image from mirror. तो OP क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से? मिरर से. अपन देख सकते हैं दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट O फ्रॉम मिरर, बिकॉज OP जो है वो परपेंडिकुलर है. तो डिस्टेंस कैसे नापते हैं किसी भी चीज का? आप डिस्टेंस नापते हैं परपेंडिकुलरली. सो आई विल से कि OP डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का और सिमिलरली IP डिस्टेंस है इमेज का. तो यहां से हम ये प्रूव कर सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर. इट मींस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि किसी भी प्लेन मिरर में किसी ऑब्जेक्ट की इमेज उतनी ही दूरी पे फॉर्म होती है जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है. ऑब्जेक्ट इस वक्त यहां रखा है तो उसकी इमेज इतनी दूरी पे है, ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे है.
तो इमेज की दूरी भी बिल्कुल बराबर होगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। सो कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं हम? What can be the conclusion? Conclusion is image is formed exactly at same distance from mirror at which object is kept। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी दूरी पे ही उसकी इमेज फॉर्म होगी। मतलब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस फ्लाई को ऐसा पास में लेके आ जाऊं तो क्या होगा? तो ये इमेज भी पास में आ जाएगी। अगर मैं इस फ्लाई को दूर ले जाऊं तो ये इमेज भी दूर चली जाएगी। सो दिस इज व्हाट द बेसिक कंक्लूजन जो कि हमने मैथमेटिकली डिराइव किया कि कोई एक ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पे रखा है उसकी इमेज भी उतनी ही दूरी पे दिखेगी। इस चीज को आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। किसी प्लेन मिरर में जब आप अपने आप को देखते हैं तो आप मिरर के पास खड़े रहिए, आपको लगेगा कि आपकी इमेज भी आपके पास है। आप मिरर से दूर हो जाइए तो आपकी इमेज भी दूर हो जाएगी। सो इस तरह से प्लेन मिरर फंक्शन करता है। ये खासियत है इस प्लेन मिरर की कि इमेज को ये एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पे बनाता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज आएगा। ओके, सो यू कैन नोट दिस।